हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आने वाले दिनों में इनटेक 2024 के लिए नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया जाएगा। सो गाइस, जितने भी कैंडिडेट अभी नई वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। हर बार कैंडिडेट यह गलती करते हैं कि आप सभी लोग पहले सिलेबस को ध्यान से पढ़ते नहीं, ऐसे ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती हो और एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ और आने वाले होते हैं और पढ़कर कुछ और जाते हो, जिस वजह से आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है उसका कंप्लीशन करवाने वाला हूँ। इसके साथ ही बताऊंगा दोस्तों कि टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप इन सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का सिलेबस बताता हूँ। पहला टॉपिक है आपका सीरीज कंप्लीशन। अब दोस्तों, इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार सीरीज में होंगे, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, इसके बाद आपको अगला टर्म बताने के लिए कहेगा, या इसके अलावा और क्या रह सकता है, ए डी जी एल, फिर इसके बाद आप अगला टर्म बताओ। तो इस तरह के जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इससे रिलेटेड मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका नंबर से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन आपका अल्फाबेट वाला होगा। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस का टेस्ट। अब इसमें क्या दिया जाएगा, मान लो कि राम कोई एक व्यक्ति है जो सबसे पहले पोजिशन ए से नॉर्थ की ओर चलता है 4 मीटर, फिर वहां से वो ईस्ट की ओर मुड़ता है, फिर वहां से साउथ आता है और फिर वेस्ट जाता है। तो बताइए कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, या फिर उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से किसी से आपके डिस्टेंस पूछ लिए जाएंगे तो किसी से आपका डायरेक्शन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से आपके कुछ नंबर दिए रहते हैं, जैसे मान लो 2 + 6 - 8 / 4। अब कह दिया जाएगा कि जहां पर प्लस है उसे आपको इनटू कन्वर्ट कर देना है, जहां पर इनटू है इसे डिवाइड में कन्वर्ट कर दो, माइनस वाले को प्लस में और यहाँ पर डिवाइड वाले को प्लस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो आपको केवल साइन चेंज करना होता है और बाकी के सारे अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख दोगे तो आपका आंसर निकल कर चला आता है। फिर इसके बाद है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सिक्वेंस टेस्ट। इसमें दोस्तों आपकी रैंकिंग करनी होती है, जैसे मान लो कि राम श्याम से छोटा है लेकिन सीता से बड़ा है, प्रिया जो है वो गीता से छोटा है और सबसे छोटी है, तो आपको बताना है कि इसमें सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सा है जो एक अलग है बाकी तीनों से। इसके बाद है मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना। यहाँ पर भी दोस्तों आपके वही मिसिंग नंबर सीरीज, जैसे मान लो 2 रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, 16 रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा और 25 रहेगा, तो आपको बताना है कि बीच में कौन सा मिसिंग नंबर सीरीज आने वाला है। इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो यह तो आप सभी को पता है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में आपके कुछ रिलेशन दिए रहते हैं और आपको बताना होता है उसी रिलेशन के आधार पर आपका आंसर क्या होने वाला है। फिर इसके बाद है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहेगा, मान लो कि एक शब्द लिखा रहेगा एप्पल और इसका कोड रहेगा, आपको बताना है कि इसी प्रकार से कोड करेंगे तो बॉय का कोड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग के आ जाते हैं। क्लॉक से रिलेटेड आपके लगभग 10 शिफ्ट होंगे, तो इसमें से 4 से 5 शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसा रहेगा कि मान लो किसी घड़ी में 3:25 हो रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, या फिर इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, या फिर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लॉक वाले में आ जाते हैं। फिर इसके बाद वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या आएगा इस प्रकार से, जैसे मान लो कि मैमल दिया रहेगा, फिर रहेगा पैरट और फिर रहेगा मैन, तो आपको बताना है कि इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, या फिर टीचर दे दिया जाएगा, फिर दे दिया जाएगा गर्ल दे दिया जाएगा, और इसके अलावा दे दिया जाएगा कारपेंटर। आपको इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम बनाना होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद है टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टॉलेस्ट वाले क्वेश्चन अल्फाबेटिकल टेस्ट में आपके वैसे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का, ABCD का, इसके अलावा जो मिसिंग नंबर वाले सीरीज होते हैं, ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल टेस्ट में ही आ जाते हैं। एनालॉग में आपके क्या रहेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर काऊ रहेगा, काऊ के बच्चे का नाम दे दिया जाएगा, सिमिलरली हॉर्स लिखा जाएगा और हॉर्स के बच्चे का नाम क्या होगा, या फिर आपका दे दिया जाएगा डियर और इसका फीमेल जेंडर दिया रहेगा, सिमिलरली इधर डॉग लिख करके पूछेगा कि इसका फीमेल जेंडर क्या होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनालॉग में आ जाएंगे।
फिर इसके बाद आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस का। इसके आपके बॉक्स बेस्ड आपके फिगर दिए रहते हैं और उसी फिगर के आधार पर आपको अगला टर्म पता करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मिनिमम 5 से 6 पूछे जाते हैं और इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट साइड में होता है। तो तैयारी करते समय विशेष ध्यान देना कि आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मान लो 5 व्यक्ति रहेगा जो कि नॉर्थ में बैठ रहा होगा, तो इस प्रकार से आप सभी को अरेंज करना है, या फिर इस प्रकार से सर्कल में टोटल 6 व्यक्ति बैठे होंगे, इन सभी को अरेंज करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटिंग अरेंजमेंट में आ जाएंगे। यह दोस्तों आपका रीजनिंग का टोटल सिलेबस जिसमें 16 चैप्टर दिए गए हैं। 16 चैप्टर को अगर आप कंसाइज करोगे तो लगभग 10 से 12 चैप्टर आपके टोटल बनते हैं जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों आपका पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब इसमें कुछ मिल्क वाटर वगैरह का अमाउंट दे दिया जाता है, तो उसमें कुछ वाटर और ऐड किया गया तो नया रेशियो क्या होगा, या फिर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं 2, 3, 4 के रेशियो में, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। एवरेज से आपके एक क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं जिसमें क्या दिया गया है, मान लो 50 व्यक्तियों का औसत 232 है, जिसमें से 2 व्यक्तियों का जो एज है वो 22 है और 26 है, इसकी जगह पर गलती से 30 और 48 पढ़ लिया गया, तो नया एवरेज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ में जो अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए हैं वो इस प्रकार के रहे हैं कि 2 संख्याओं का एलसीएम है 16 और एचसीएफ है 122, इसमें से पहली संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके अलावा 2 संख्या 2-3 के रेशियो में है, इसका एचसीएफ है 36, तो आपको बताना है कि ये वाला संख्याएं क्या होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन आपके एलसीएम एंड एचसीएफ से आ जाएंगे। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो इससे भी दोस्तों आपके हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें मेनली आपके ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी आपके एक क्वेश्चन आते हैं। फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन। अब देखो कई कैंडिडेट गलती क्या करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन का नाम सुनते ही सोचते हैं कि यहाँ पर तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, आसानी से सॉल्व कर दूंगा। हालांकि क्वेश्चन आता भी इजी है, लेकिन क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया जाता है ना, और आपके एग्जाम में टाइम काफी कम रहता है कि यहाँ पर कैंडिडेट या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है, अभी से ही आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के भी अच्छी खासी। इसके लिए आप डेली 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी आपकी स्पीड इसमें इंक्रीज होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफिकेशन का एक पीडीएफ आप सभी को दे दूं टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपके 200 से लेकर 250 क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के, जिसे आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना। फ्रैक्शन भी आपका इसी में इंक्लूड होकर चला जाएगा। मेनली इसमें ऐसा क्वेश्चन रहता है कि 2 संख्याएं 2/3 में, अगर इसमें 10 ऐड कर दिया गया तो नया रेशियो यहाँ पर 1/2 हो गया, तो बताइए कि नीचे वाले में कितने ऐड किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन में आ जाते हैं। फिर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल, और इसके साथ साथ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो दोस्तों इन दोनों ही चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस वीडियो जाकर देख लेना, जितने भी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आए हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस ये दो चीज आपने सीख लिया ना, तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर दोगे। हालांकि ये दोनों का दोनों चैप्टर काफी लेंदी है अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, लेकिन एयरफोर्स में काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और वही कंडीशन आपका प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ में भी है। यहाँ पर भी जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं वही काफी पूछे जाते हैं, कभी भी आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो यहाँ तक होता है कई बार डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है, जैसे साइन 15 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है पिछले एग्जाम में, टेन 90 का वैल्यू पूछ लिया जाएगा, टेन 135 का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे वैल्यूज आप सभी को याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये है दोस्तों आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस। फिर इसके बाद देखते हैं जीके में क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। जीके में सबसे पहले तो दोस्तों आपका आ जाता है सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मेनली आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। मिडिवल हिस्ट्री में जाओगे तो जो दिल्ली सल्तनत है इस पर आप फोकस कर लेना, और एंशेंट हिस्ट्री में जाओगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, जो भी आपके धर्म यहाँ पर थे, इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन और गुप्ता एम्पायर, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। प्लस मिडिवल हिस्ट्री में आपको एक मुगल एम्पायर, इतने टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाने चाहिए, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सिविक्स में दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हो गए उससे रिलेटेड, राज्यसभा, लोकसभा, इन सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
इसके अलावा ज्योग्राफी में जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो भारत की बाउंड्री किस प्रकार से है, कौन कौन से राज्य में क्या होता है, ये सारे आपकी फिजियोग्राफी में आ जाती है। इसके अलावा जो सॉइल होते हैं और रिवर सिस्टम, ये दोनों टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस की मैं बात करूं तो जनरल साइंस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़कर जाना है। हालांकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो आपके बायोलॉजी से बनते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ आपके दो एक या दो क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें मेनली फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर आपके जो बाइनरी कन्वर्जन है वो पूछा जाएगा और आपकी जो वैल्यूज होती है जैसे 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके तो मैंने पहले से ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है, इस बार के एग्जाम के लिए भी कंप्लीट जीके करवा दूंगा चैनल पर ही, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहा है। तो देखिए इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी गई है। इंग्लिश में सबसे पहले तो आपका एक पैसेज होगा, पैसेज में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का होगा और बाकी के 3 या फिर 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों पैसेज काफी इजी लेवल का होता है, यहाँ पर आपके जो पैसेज दिए जाते हैं वो मेनली आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए या फिर आप कितना कल्पनाशील है ये पता करने के लिए और आपके वोकैबुलरी कैसी है इसके लिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपके एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे पैसेज के और 1 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का पूछा जाएगा। पिछले साल भी यही ट्रेंड इसका रहा था। फिर इसके बाद ग्रामर की मैं बात कर लूं तो ग्रामर में देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जैसे नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह पता करना होता है। इसके अलावा आपके सेंटेंस इरर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपका ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। जो फिलर वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशन भरना होगा, आर्टिकल भरना होगा, कंजक्शन भरना होगा, तो सारे के सारे ग्रामर के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या आता है तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लेना, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशन है, नाउन एंड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है और मॉडल्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन किससे आते हैं तो वो आएंगे आपके सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, इसके अलावा इडियम एंड फ्रेजेज वाले होते हैं। तो यहाँ पर से कम तो 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आपका या तो इडियम आएगा या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एक एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम और सिनोनिम्स का आएगा और 1 क्वेश्चन आपका स्पेलिंग मिस्टेक का आता है। इसके साथ साथ अगर आप एक एडजेक्टिव और नाउन वाला क्वेश्चन ऐड कर दो तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से आने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है नरेशन एंड वॉइस। दोस्तों पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 1 क्वेश्चन तो आपका नरेशन से आता है और 1 क्वेश्चन आपका वॉइस से आता है। अगर आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना, 2 नंबर आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे और इन दोनों का लेवल काफी ईजी होता है। इसके अलावा जंबल्ड सेंटेंस आते हैं, यानी कि एक सेंटेंस दिया रहेगा 4 पार्ट में, आपको उसे सही वे में अरेंज करके बताना होता है कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनने वाला है। तो ये था दोस्तों आपका एयरफोर्स ग्रुप बाई के लिए कंप्लीट सिलेबस। सो गाइज आप इसका PDF डाउनलोड करके खुद से भी अगर पढ़ लेना, PDF डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।